शरद पवार की अगुवाई में आप आरजेडी टीएमसी समेत विपक्षी दलों की बड़ी बैठक, बीजेपी ने कसा तंत्र। बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद की स्थिति में सुधार, आईसीयू से जनरल वार्ड में किए गए शिफ्ट। पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल होंगे गुपकार गठबंधन के नेता, फारूक अब्दुल्ला ने दी जानकारी। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में 77.8% प्रभावी, डीसीजीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने की समीक्षा। कोरोना से 9 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का खौफ, भारत में 22 मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय की 3 राज्यों को भेजी गई चिट्ठी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ दौरे पर हैं, जहां पहले दिन मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी। वहीं आज बीएल संतोष ने दोपहर को भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे सुझाव मांगे। बैठक में राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। वहीं कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी शामिल हुए। साथ ही प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्षों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद आप भी आए, आपका भी स्वागत। 22 के चुनाव चल रहे हैं, उसकी तैयारी के विषय में कुछ बातचीत होगी, मार्गदर्शन मिलेगा, उस मार्गदर्शन के आधार पर हम लोग कार्य करेंगे। आज संगठन की बैठक है, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, केंद्र के राष्ट्रीय पदाधिकारी और महामंत्रियों की बैठक चली। संगठन की बूथ तक की रचना की गठन की चर्चा हुई, मन की बात हुई, वृक्षारोपण की बात हुई, सेवा के क्षेत्र में जो चल रहे हैं अपने वैक्सीनेशन अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार नीचे हो और उसके लिए न्यूज स्टेट नीचे सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, यानी संगठन के गठन से सोशल मीडिया के गठन तक सभी बिंदुओं पर चर्चा हुआ। इस समय हम राजधानी लखनऊ के भाजपा कार्यालय पे मौजूद है, जहां 2 दिन से जो है लगातार दौरा जो है चल रहा है। आज जो है यहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद हैं और कई बड़े मंत्री भी यहां पे मौजूद हैं। हालांकि बैठक में जो है ये निकल के आगे सूत्रों के द्वारा आया है कि अब आज से जो है और दीपावली तक जो है गरीबों को फ्री राशन जो है बांटा जाएगा और कई चीज़ें जो हैं वो भी फ्री की जा सकती हैं। अब देखने की बात ये होगी कि 2022 के चुनाव को लेके क्या और भी आगे रणनीति जो है वो निकल के आती है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश और दुनिया में भारी तबाही मचाई। बीमारी के इस भीषण काल में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनों को किसी न किसी बीमारी के वजह से खोया है। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में स्थित शमशान स्थल को कोविड से ग्रसित मरीजों की मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन द्वारा चयनित किया गया था। जानकारी के अनुसार अप्रैल और मई 2021 के महीनों में इस शमशान स्थल पर 418 अंतिम संस्कार किए गए। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहां पर अभी भी 90 से 100 के करीब अस्थि कलश अपने परिजनों का इंतजार कर रही है। मानव उपकार संस्था के प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी शमशान पर 90 से 100 लोगों की अस्थि कलश रखे हुए हैं। इन सभी लोगों के परिवारजनों ने अभी तक इन अस्थि कलश की सुध नहीं ली है। लोगों को इस बात की सूचना भी दी गई थी लेकिन फिर भी वे नहीं आए। हमारा यही कहना है कि अब कोविड की लहर थोड़ी कम हो गई है तो लोग अपने परिजनों की अस्थि कलश लेने के लिए पहुंचे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि 15 सितंबर तक हम लोग परिजनों का इंतजार करेंगे, उसके बाद हमारी संस्था इन सभी अस्थियों का विधि पूर्वक विसर्जन करेगी। सीतापुर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। डीएम ने मौके पर ऑक्सीजन प्लांट को भी चेक किया, साथ ही निर्देश दिया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखकर चेतावनी दी गई है कि प्लांट में मशीनों की स्थापना सही से की जाए और लोगों को कोविड के लिए जागरूक किया जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधु
गैरोला, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र में पानी को लेकर हुए विवाद में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक की हत्या की जानकारी मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी पुमाया नवनीत नायक भी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का गहनता से निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। अभी घटना की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी। मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र में जमीन के लालच में एक व्यक्ति ने अपने ससुर की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी मौके से फरार है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। एएसपी और सीओ सिटी ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज हो गया है, आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवेरे पुलिस को सूचना मिली थी कि एलाऊ थाने में बसावनपुर गांव में दामाद ने अपने ससुर की हत्या कर दी है। तत्काल फोर्स मौके पर पहुंची, सीओ सिटी और अन्य अधिकारीगण मौके पर हैं। इसमें अभी प्रथम दृष्टया इसमें जानकारी में आया है कि जो मृतक था हरिप्रसाद, उसकी दो लड़कियां थीं और कुछ 10 बीघे जमीन थी जिसको लेकर के विवाद था दोनों दामादों के बीच में। इसी पर जो एक दामाद जो कि कुछ दिनों से आकर के रह रहा था, मोहर सिंह नाम का है, उससे रात में कुछ विवाद हुआ। फिर उस जबरन धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं प्रदेश में धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद कानपुर के एक युवक का नाम सामने आ रहा है जो खुद धर्मांतरण का शिकार हो गया है। युवक के परिवार वालों ने बताया कि वो कल ही हैरतगेज तरीके से घर लौट आया है। युवक के पिता राकेश गुप्ता ने बताया कि इसी साल मार्च में आदित्य गायब हुआ था और बीच में उसने एक वीडियो कॉल कर बताया था कि वो केरल में है और वहां पर काम कर रहा है। पिता के मुताबिक उसके बैंक अकाउंट में देश के बाहर से 7,000 रुपए भेजे गए हैं। युवक के पिता ने दावा किया कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया गया था और वो लालच में आ गया था। फिलहाल वो इस पूरे मामले में पुलिस के उच्चाधिकारियों से संपर्क में है। जालौन में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने फरार चल रहे हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बता दें कि साल 2017 में माधवगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला था जिसकी शिनाख्त बांदा निवासी युवक इमरान के रूप में की गई थी, जिसके बाद मृतक के पिता ने माधवगढ़ थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले का हत्यारोपी राजू और उसकी पत्नी साधना फरार चल रहे थे, जिनके ऊपर 25,000 रुपए के इनाम भी घोषित किए गए थे और अब फरार हत्यारोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने यह बड़ी सफलता हासिल की है। 202-201 जो कि अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी, उसकी पहचान इमरान सन ऑफ लाल खान निवासी बांदा के रूप में हुई। विवेचना के दौरान ही साक्ष्य के आधार पर राजू और साधना का नाम प्रकाश में आया और लेटर ऑन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन पर 25,000 का इनको इनामिया घोषित किया। इससे पहले हमारी माधवगढ़ पुलिस टीम द्वारा साधना को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब दिनांक 22/6/2000 बुलंदशहर में न्याय न मिलने पर एक महिला ने एसएसपी दफ्तर में परिवार के साथ सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी थी। परिवार के साथ सामूहिक आत्मदाह की सूचना पर एसएसपी दफ्तर छावनी में तब्दील कर दिया गया और महिला के एक फोन कॉल ने पुलिस की नींद उड़ा दी, लेकिन गनीमत रही कि महिला नहीं आई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने राहत की सांस ली। बुलंदशहर में डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर पेट्रोल पंप पर छापेमारी की गई। डीएम के आदेश पर
डीएसओ ने छापेमारी करते हुए ये कार्यवाही की है। ऑनलाइन मिली शिकायत के बाद डीएम ने पेट्रोल पंप के खिलाफ एक्शन लिया है। पेट्रोल पंप के खिलाफ मिली सूचना पर उसे सील कर दिया गया। डीएम ने कहा कि घटतौली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी इस तरीके की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, शिकायत आई थी कि एसआर पेट्रोल पंप छतारी लाइसेंस निरस्तीकरण के बावजूद भी ऑपरेट कर रहे हैं। जनवरी 2021 में उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, तो यहाँ से हमने एक टीम भेजी, छापा मारा गया और शिकायत सही पाई गई। औरैया के बिदुना कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने वाले अपराधियों पर पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सामपुर ग्राम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव के अवशेषों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए 3 आरोपियों के खिलाफ धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। साथ ही पक्षियों के अवशेषों को जाँच के लिए भेज दिया गया है। कल देर रात हमारे पास उनको सूचना मिली कि शामपुर में कुछ लोग राष्ट्रीय पक्षी मोर के मांस को पका रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल दुर्गा पुलिस पहुंची वहां पर और वहां से पकाते हुए 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और साथ ही मांस को बरामद किया गया। निमानसार डॉक्टर के माध्यम से करके ये प्रयोगशाला भेजा जा रहा है और राकेश और राम नरेश और सर्वेश। अलीगढ़ के थाना गभाना इलाके में प्लॉट में भरे पानी निकालने को लेकर जमकर विवाद हुआ। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि मौके पर पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। इस दौरान अवैध असलहों से फायरिंग भी की गई। पूरे मामले का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया गया जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना में बताया गया कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत भी की गई और पुलिस द्वारा मुकदमा न दर्ज करने का आरोप भी लगाया गया। मामले को लेकर एसएसपी दफ्तर में एक पीड़ित पक्ष पहुंचा। वहीं इस मामले में एसपी देहात शुभम पटेल ने बताया कि थाना गभाना इलाके में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद सामने आया जिसमें पीड़ित पक्ष द्वारा एक वीडियो पथराव और फायरिंग का उपलब्ध कराया गया है। वीडियो और शिकायत पत्र के आधार पर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। मामले की गहनता से जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। देखिए, गवाना क्षेत्र में ये आज से लगभग 15 दिन पूर्व की घटना है जिसमें 2 पक्ष हैं, उनका जमीन को लेकर विवाद था और उन्हीं में दोनों पक्षों के बीच आपस में मारपीट भी हुई और इसी संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है। तो इसमें पुलिस ने उनका दोनों पक्षों का मेडिकल करा के उनमें से जो जिसके यहाँ हमला हुआ था उसकी वादी की तहरीर पर FIR पंजीकृत कर ली है। आगरा में कुछ दिन पहले AGA द्वारा मंदिर परिसर से अतिक्रमण हटाया गया था। आपको बता दें, इस पर कुछ लोगों ने मूर्ति की मांग को लेकर आत्मदाह का प्रयास किया है। जिला मुख्यालय पर केरोसिन डालकर कुछ लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया। घटने की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। यहां पर पुलिस ने आत्मदाह करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही इन लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही जारी है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।